पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने राज्य के गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को पद से हटा दिया है। आयोग ने दोनों को गृह मंत्रालय से अटैच कर दिया है। श्री राजीव कुमार आईपीएस एडीजी सीआईडी स्टैंड्स रिलीव्ड एंड अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली। श्री अत्री भट्टाचार्य आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एंड हिल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल stands relieved from his current charge immediately। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का समय भी 19 घंटे कम कर दिया है। आयोग ने सभी पार्टियों की रैलियों, रोड शो, सभाओं और किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन पर रोक लगा दी है। ये रोक गुरुवार की रात 10 बजे से लागू होगी। No person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हिंसा को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत में कहा कि बंगाल में बीजेपी की आवाज दबाने की साजिश हो रही है। इस पर उपराष्ट्रपति ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो हताश और निराश होकर हिंसा का तांडव करा रही है और पुलिस मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अमित शाह को आईबी इनपुट के आधार पर खतरे को देखते हुए जेड कैटेगरी की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी है। गृह मंत्रालय ने हिंसा को लेकर पहले भी चिंता जताई थी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए पदयात्रा निकाली। वहीं दिल्ली में टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। That man who was leading that procession yesterday has come to Delhi this morning and tried to justify. What were your outsiders arrested? And now you're complaining why the outsiders are arrested? Who is this fellow? Tejinder Baga? जो बाहर से लाया था बीजेपी का, वो पता भी नहीं है विद्यासागर को, एक स्टैचू देगा टोक दो। पश्चिम बंगाल में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं। शाह ने सवाल किया है कि देश भर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रही है? देश भर में 6 के 6 चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं सिवाय बंगाल। अमित शाह ने कहा कि 23 मई के बाद तृणमूल कांग्रेस का अंत होने वाला है। कल अगर सीआरपीएफ न होती तो वहां से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे कार्यकर्ता बहुत मारे गए, मुझ पर हमला होना मैं स्वाभाविक समझता हूँ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में तस्वीरें दिखाकर आरोप लगाया कि ये टीएमसी का काम है। इस बीच टीएमसी ने आरोप लगाया कि अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के पीछे बीजेपी समर्थकों का हाथ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा के खिलाफ देश के कई शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर मौन प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह और विजय गोयल मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का बैनर हाथ में लिए हुए थे। ममता बनर्जी टीएमसी चुनाव हार रही हैं, तो वो हर तरह की हिंसा कर रही हैं। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गई है, इसलिए वो कुछ भी, अपनी सरकार है उनकी वहाँ पर, वो कुछ भी कर रही है। कोलकाता में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में भी मुंह पर काली पट्टी बांधकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा पर विरोध जताया। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में हिंसा कराने का आरोप लगाया है। कोलकाता के डायमंड हार्बर में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमित शाह के रोड शो को दीदी के प्रशासन ने प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। दीदी के प्रशासन और गुंडा तंत्र ने भाजपा के रोड शो को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। दीदी का ये गुंडा तंत्र, उसकी एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है।
पश्चिम बंगाल के ही बशीरहाट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दीदी की धमकी और गालियों से डरने वाले नहीं हैं। आपकी गाली और धमकियों से मोदी डर जाएगा? ममता दीदी आसानी से डिगने वालों में ये मोदी नहीं है। पीएम मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मदद से बीजेपी 300 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। आज मैं बंगाल की धरती पर से कह रहा हूँ, क्या बंगाल हमें पूर्ण बहुमत से आगे 300 सीटें पार करवा के रहेगा, ये पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 चुनावी रैलियां की। पीएम ने पहले बिहार के पालीगंज में, फिर झारखंड के देवघर में और उसके बाद पश्चिम बंगाल के बशीरहाट और डायमंड हार्बर में चुनाव प्रचार किया। देवघर में पीएम ने कहा कि नामदार को बचाने के लिए कांग्रेस में नाखून काट कर शहीद होने की होड़ मची है। अपने नामदार पर हार की जिम्मेदारी नहीं आने देना चाहती, इसलिए कांग्रेस में अभी नाखून काट कर शहीद होने वालों की होड़ मची हुई है। पालीगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो यदुवंश की धरती द्वारका से आए हैं और सुदर्शन चक्रधारी उनके प्रेरणा स्रोत हैं। चरखाधारी मोहन विकास का रास्ता है, चरखाधारी मोहन वो भी हमारी प्रेरणा है, और सुरक्षा का रास्ता है सुदर्शन चक्रधारी मोहन, वो भी हमारा रास्ता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी कार्यक्रमों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। अमित शाह के चुनावी कार्यक्रम वाली जगहों पर ASL यानी एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजन की टीम पहले से मौजूद रहेगी। कमांडेंट रैंक के अधिकारी उनके चुनावी कार्यक्रमों की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर अभी 16 और 17 मई को अलग अलग राज्यों में अमित शाह के कई कार्यक्रम होने हैं। मंगलवार को कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान TMC छात्र परिषद के सदस्यों ने मारपीट, पथराव और आगजनी की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है के नारे लगाए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई। पीएम मोदी की ही तरह प्रियंका गांधी ने भी रोड शो की शुरुआत BHU गेट पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की। रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के काफिले पर फूल बरसाए। प्रियंका ने वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए वोट मांगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है और कांग्रेस इस आंधी में उड़ जाएगी। पंजाब के बरनाला की रैली में स्मृति ईरानी ने 1984 के दंगों पर हुआ तो हुआ बयान देने वाले सैम पित्रोदा के बारे में कहा कि वो गुरु घंटाल है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का सेनापति अपनी सीट छोड़कर भाग रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों से कर्ज माफी का झूठा वादा किया। दिल्ली में आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और तिरंगा लहराया। महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी नचिकेता का कहना है कि वो कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहने से नाराज था। नारेबाजी कर रहे नचिकेता को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हॉल से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस और IB की टीम नचिकेता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी को अजय सिंह बिष्ट बोल रहे हो? अजय सिंह यादव, अजय सिंह जी को, अजय सिंह बिष्ट जी को ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग नाम लेके बोल रहे हैं, दैट्स नॉट आवर कल्चर। असम के गुवाहाटी में मॉल के बाहर हुए बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। गुवाहाटी की जू रोड पर हुए इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। अभी यहाँ पर ये सेंट्रल मॉल जू रोड के पास यहाँ पर ग्रेनेड विस्फोटन हुआ है। करीबन 8 बजे ये घटना हुई है और अभी इसका अन्वेषण चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे कि किसने ये घटना की और किस तरह से ये घटना हुई।
बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी करके जांच शुरू कर दी है। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है और भारत का लोकसभा चुनाव अब एक ऐसी एक्शन फिल्म बन चुका है जो अब अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच चुकी है। इस क्लाइमेक्स में क्रोध है, हिंसा है, पत्थरबाजी है और राजनीति की आग है और इस क्लाइमेक्स की लोकेशन है पश्चिम बंगाल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की चुनावी लड़ाई अब इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी हिंसक हो चुकी है कि चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार 19 घंटे पहले खत्म करने का आदेश देना पड़ा। ये अभूतपूर्व फैसला है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी नौबत कभी नहीं आई। इससे यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने संविधान की धारा 324 के तहत पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा, रैली और रोड शो पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग की यह पाबंदी कल रात 10 बजे से लेकर 19 मई की शाम 6 बजे तक रहेगी। आमतौर पर मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान से 67 घंटे पहले चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है और आयोग ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में संविधान के आर्टिकल 324 को लागू कर दिया है। चुनाव आयोग ने इसके तहत आने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126 का इस्तेमाल किया है जो परिस्थितियों के अनुसार किसी भी तरह के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने का अधिकार देता है। इसके अलावा एक और बड़ा कदम आज चुनाव आयोग ने उठाया है। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य और एडीजी सीआईडी राजीव कुमार को पद से हटा दिया गया है। ये दोनों ही आईपीएस अधिकारी हैं। इन दोनों आईपीएस अधिकारियों पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप है। इस बारे में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे से रिपोर्ट मांगी है और चुनाव आयोग ने अब गृह सचिव का चार्ज भी वहां के मुख्य सचिव को सौंप दिया है। और साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ये जो दोनों अफसर हैं, राजीव कुमार एडीजी सीआईडी और अत्रि भट्टाचार्य, ये आईएएस हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं ये आईएएस हैं और राजीव कुमार आईपीएस हैं और इन दोनों को ही अब अपने पद से हटा दिया गया है। और जो आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें कहा गया है कि वो होम मिनिस्ट्री में 16 मई सुबह 10 बजे रिपोर्ट करें दिल्ली में। और अब आपको ये भी बता दें, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अभी अभी कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और क्योंकि वो बंगाली में बोल रही हैं, हम थोड़ी देर में उसका अनुवाद करके आपको बताएंगे क्या कह रही हैं, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है वो यही है कि वो चुनाव आयोग के इस फैसले का पुरजोर विरोध इस समय कर रही हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने गलत तरीकों से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है और जो हिंसा हुई है कल वहां पर उसके लिए भी वो बीजेपी को दोषी ठहरा रही हैं। इस समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसलिए हमने आपकी स्क्रीन के कोने में उनकी ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको अभी दिख रही होगी। वो क्या कह रही हैं ये भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। कोलकाता में मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण बन चुका है। इस रोड शो में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हिंसा हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। अमित शाह ने कहा है कि इस हिंसा में उनकी अपनी जान खतरे में आ गई थी और उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। आज हम इस रोड शो और पश्चिम बंगाल सहित देश की राजनीति में इसके प्रभावों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। इस रोड शो में हुई हिंसा के कई नए वीडियोस हमारे पास आ गए हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त लोकतंत्र का दमन हो रहा है। पूरे देश ने इस हिंसा की तस्वीरें देखी हैं। इस हिंसा को भड़काने के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, लेकिन सच ये है कि इस तरह के पथराव और आगजनी के बीच चाहे किसी भी पार्टी की जीत हो जाए, देश का लोकतंत्र हर हाल में हार रहा है। हम अमित शाह के रोड शो में हुई इस हिंसा पर विस्तार से आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें सुननी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में
प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली की और वहां हो रही हिंसा के लिए सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त वैसा ही माहौल है जैसा इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों के दौरान था। दीदी, अपने अहंकार में आप क्या क्या कर रही है? जिसने भगवान का नाम लिया उसको भी जेल में डाल दिया। यहां भाजपा नेताओं को रैली नहीं करने दी जा रही, वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उम्मीदवारों पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर पौत्र को भी आपके गुंडों ने नहीं छोड़ा। दीदी, आप बंगाल को किस युग में ले जाने पर तुली हुई है? मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था तब हुआ था। लोगों को वोट करने से ऐसे ही रोका गया था। ममता दीदी, आप बंगाल को इमरजेंसी के उस दौर में ले आई हो। और दीदी, मेरे शब्द लिख करके रखिए, ये आपका दमन बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई बंगाल की जनता के खिलाफ तुमने छेड़ी है। ममता दीदी ने दो दिन पहले ही ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि वो इंच इंच का बदला लेगी। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था और उन्होंने अपना जो एजेंडा घोषित किया था उसको देखिए, 24 घंटे के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी पर हमला करवा दिया, उनके रोड शो पर हमला करके हिंसा फैलाकर डराने की भरसक कोशिश की गई। हिंसा के बाद दीदी, आप और आपके दरबारी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसकी पोल यूनिवर्सिटी के छात्र। और अब हम सीधे आपको कोलकाता लेकर चल रहे हैं जहां ममता बनर्जी इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता से। ममता बनर्जी बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के फैसले के बाद, ये देखिए क्या कह रही है। एक भी गाड़ी का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया लोक ले आने के लिए, ऑल स्पॉन्टेनियस। लेकिन मोदी बाबू, आपका मीटिंग में कितना खर्चा होता है? अमित शाह कल जो रैली किया है कम से कम 15-20 करोड़ रुपया खर्चा किया है। क्या इलेक्शन कमीशन, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपका इलेक्शन कमीशन का सीलिंग है। नरेंद्र मोदी अमित शाह ने जितना खर्चा किया है आप क्यों उसके खिलाफ में कोई बमबस्त नहीं किया है? व्हाई डोंट यू फोकस नरेंद्र मोदी, व्हाई डोंट यू फोकस अमित शाह? खाली हम लोगों को आप कर नहीं सकता है कि बीजेपी आपको जो बोलता है वही काम आप करते हैं। हम आपको इज्जत करते हैं लेकिन इज्जत भी आपको भी करना चाहिए। उन लोगों को, अपोजिशन को भी एक स्पेस है देश में। आप अगर इज्जत हम लोगों को नहीं देंगे, हमको मत दीजिए। आप मेरे को लिए जो भी एक्शन ले लीजिए। क्या करेंगे आप हमको? क्या करेंगे? जेल में भेजेंगे? क्या करेंगे? सोकस करेंगे? आपका हाथ में भी कानून है, हम भी पूरा सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, मेरे को पास भी कानून है। हम जस्ट नाउ हमने एक पहले का इलेक्शन कमीशन को पूछा ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने बोलता है मेरे को तो पता नहीं है ऐसा क्यों किया, ऐसे तो कभी होता नहीं है। और एक बात है, देखिए अप टू 6:17 लोगों का कैंडिडेट के साथ मिलने का टाइम था, कैंडिडेट का लास्ट टाइम कैंपेनिंग करने का टाइम था। हाउ डू यू डिप्राइव द वोटर्स द कैंडिडेट्स? बीजेपी का प्रचार शेष हो गया और आपका भी प्रचार शेष हो गया। व्हाई यू हैव डन दिस? इसमें आपको कुछ नहीं होने वाला है।
बंगाल का लोग इसमें बहुत गुस्सा में है, बंगाल का लोग इसमें रिप्लाई देंगे, देश का लोग भी देंगे। 19 को जो इलेक्शन है जो स्टेट में, बिहार यूपी एंड बंगाल में, मैं तो हर इंसान को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक हमको साथ नरेंद्र मोदी जो हमको बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अपमान किया है, हम उसको खिलाफ में जो बात वो कहते हैं उसको हम काउंटर करते हैं। इसके लिए हमको बात करने का भी मौका नहीं है, हमारा वॉइस क्या हमको भाषण भी नहीं देंगे, हमको बोलने का भी मौका नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं है, किसी को बोलने का मौका नहीं है, ऐसे ही चलेगा देश में। इसको एक भी वोट मत दीजिए, मेहरबानी करके मेरे माई माँ, मेरे भाइयों, मेरे पापा जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, नौजवान लोग, मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो, इलेक्शन का थ्रू में वोट मत दो। हम देखो बांग्ला जा करेछे, आमरा वोटेर बक्से बदला नेब, আমি জনগণকে অনুরোধ করব মা ভাই বোনেরা। তো মমতা ব্যানার্জি কলকাতা মে বহুত নারাজ হ্যাঁ, বহুত গুসে মে হ্যাঁ, আর ও আপনে ভোটারো সে অপিল কর রহি হ্যায়, বলকি আবি আপনে দেখা হোগা প্রেস কনফারেন্স মে হি উনহোনে চুনাও প্রচার শুরু কর দিয়া আর ভোটারো সে অপিল কর রহি হ্যায় কি ও নরেন্দ্র মোদি কো বাহার নিকাল দে, নরেন্দ্র মোদি কো হারা দে। और चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर यह फैसला लिया है, ऐसा ममता बनर्जी का आरोप है। बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि अभी चुनाव आयोग ने आज शाम को जो फैसला लिया ये बीजेपी के दबाव में लिया गया फैसला है। दूसरा उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने कोलकाता में कल दंगा करवाया। और तीसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे और बंगाल को डराना चाहते हैं। और अगला जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो ये कि अमित शाह ने चुनाव आयोग को धमकी दी और बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस तरह की बात की है ताकि तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार जाए, इसलिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। और अगला मुद्दा उन्होंने जो उठाया वो ये है कि बीजेपी के गुंडों ने ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी है, ऐसा आरोप ममता बनर्जी ने इसी भाषा में लगाया है। कल की हिंसा के बाद आज बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने राजनीतिक मोर्चा खुलकर खोल दिया, लेकिन आज की तकरार में हिंसा नहीं थी बल्कि खामोशी थी। बीजेपी ने आज के दिन की शुरुआत दिल्ली और कोलकाता में मौन विरोध प्रदर्शन से की। दिल्ली में बीजेपी के नेता जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखकर यह बताने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की आवाज को खामोश कर दिया गया है। ऐसा ही प्रदर्शन बीजेपी ने कोलकाता में भी किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने रोड शो में हुई हिंसा को लेकर आज दिल्ली आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार जिम्मेदार है। अमित शाह ने कहा कि रोड शो के दौरान वो तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर थे और उनकी जान खतरे में थी और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। कल अगर सीआरपीएफ न होती तो वहां से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अभी तस्वीर देता हूं, आप देख लीजिएगा। मेरे कार्यकर्ता बहुत मारे गए हैं, मुझ पर हमला होना मैं स्वाभाविक समझता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तृणमूल कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है ये कल सिद्ध हो चुका है। और अगर कल सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन मुझे प्राप्त न होता तो मेरा वहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से ही मैं बचकर आया। तो अमित शाह कह रहे हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उनकी जान वहां बच गई और वो किसी तरीके से वहां से निकल पाए। कोलकाता में हुई हिंसा को लेकर अमित शाह के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। देश में हर नेता रोड शो करता है, कहीं हिंसा, लेकिन कहीं हिंसा नहीं होती, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात ही कुछ और है। ताज्जुब की बात यह है कि देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हो रहा है लेकिन हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही है, बाकी पूरे देश में बहुत शांति से चुनाव हो गया, पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्या खास है? पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और अब 19 मई को आखिरी चरण के मतदान में 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस वक्त पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है। कोलकाता के रोड शो में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से आज शिकायत की थी। इस मुद्दे पर जवाब टीएमसी की तरफ से भी आया है।
टीएमसी ने दो वीडियो जारी करके बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और आज शाम को कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक पैदल मार्च भी किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी से कहा कि अभी तो वो शांत हैं, लेकिन अगर वो भड़क गईं तो बीजेपी के लिए बहुत बुरा होगा। बीजेपी उन्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। नरेंद्र मोदी पड़े कि तुम्हें प्रधानमंत्री होवे अमित शाह गुंडा की बोले हमें गला काटवे गुंडा सम्राट विद्यासागर गाए हाथ दिले गुंडा बोलबो ना तो की बोलबो विद्यासागर गाए हाथ दिले विद्यासागर मूर्ति भांगले आमी गुंडा शुधु ना गुंडा सोंडा पंडा सब बोलबो आज के तुमरा आमाके आटके रखते पारबे ना आमाय व्याख्या दिते होबे आमाय व्याख्या दिते होबे তোমাদের তো ভাগ্য ভালো আমি এখনো ঠান্ডা হয়ে বসে আছি তোমাদের ভাগ্য ভালো যে আমি এখনো ঠান্ডা হয়ে বসে আছি আমি দিল্লিতে তোমার ঘর দখল করতে পারি তুমি জানো তো আমি আন্দোলন করা লোক তোমার ওই বিজেপি অফিসটা নিতে আমার এক সেকেন্ড লাগে কিন্তু তোমার অফিস আমি ছুই না আমি ঘৃণা করি আমি ঘৃণা করি তোমার স্লোগানকে ঘৃণা করি তোমার নীতিকে ঘৃণা করি ये जो ममता बनर्जी का बयान अभी हमने आपको सुनवाया ये चुनाव आयोग के फैसले से पहले का बयान है और आपको फिर से हम बता दें कि चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव प्रचार को समय सीमा से 19 घंटे पहले ही बंद करने का आदेश दिया है। ममता बनर्जी को इस बात का एहसास है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में उभरती हुई ताकत है और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद जीते थे, तब बीजेपी को 17% वोट मिले थे। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक जीते। 2017 के निकाय चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी, यानी 2 साल पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था और वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में भी बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और इन्हीं चुनावों ने बीजेपी को यह यकीन दिलाया कि वो तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बन सकती है। इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 23 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और दावा किया है कि वो इतनी सीटें जीत भी लेगी। इसीलिए ममता बनर्जी परेशान है। महत्वाकांक्षाओं का ये पूरा मैच है, पूरा खेल है। ममता बनर्जी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं ताकि वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर अपने आप का अपना प्रचार कर सकें, अपने आप को पेश कर सकें। और बीजेपी जो पूरे देश से उन्हें जो नुकसान होगा इस चुनाव में सीटों का, या मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश से अगर उनकी सीटें कुछ कम रह जाती हैं, बीजेपी उन सीटों को पश्चिम बंगाल के जरिए भरना चाहती है। चुनाव आयोग ने अमित शाह के रोड शो में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में रैली, सभा और रोड शोज पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अब नई रणनीति अपनाई है। अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई। पश्चिम बंगाल की जनता के हृदय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए बहुत सम्मान है। पश्चिम बंगाल की जनता उनके लिए बहुत भावुक है। देश की जनता उन्हें महान समाज सुधारक के रूप में जानती है। उनकी मूर्ति तोड़े जाने के लिए टीएमसी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि मूर्ति तोड़ने के पीछे टीएमसी का हाथ है, क्योंकि वो इसके जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों की सहानुभूति चाहती हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका जन्म वर्ष 1820 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। उन्होंने महिला अधिकारों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और विधवाओं को दोबारा विवाह का अधिकार दिलवाया था। इसके लिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित करवाया। उन्होंने मिसाल कायम करने के लिए अपने इकलौते बेटे की शादी एक विधवा से कराई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बांग्ला भाषा और साहित्य को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और पश्चिम बंगाल में उनका बहुत सम्मान है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को लेकर अब तकरार चल रही है। ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तस्वीर अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लगा दी है। ये टीएमसी का जज्बाती चुनाव प्रचार है। ये भी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने चौकीदार वाली रणनीति की नकल की है। जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में
चौकीदार शब्द जोड़ दिया, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने उनका अपमान किया है और टीएमसी ने इसे बांग्ला स्वाभिमान का मुद्दा अब बना दिया है, यानी बंगाल के वोटरों के दिल से इसे जोड़ दिया है। हालांकि बीजेपी इस बंगला स्वाभिमान वाली राजनीति पर भी लगातार सवाल उठा रही है। 13 मई को दक्षिण 24 परगना में एक रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के उर्दू प्रेम पर सवाल उठाए थे। अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी जबरदस्ती पश्चिम बंगाल पर उर्दू भाषा थोप रही है। इस्लामपुर के अंदर ममता दीदी ने उर्दू के शिक्षक भेज दिए। इस्लामपुर के अंदर विरोध हुआ, उन्होंने कहा हमें उर्दू में नहीं पढ़ना है, हमें बंगाली में पढ़ना है। पुलिस ने अत्याचार शुरू किया, हमारे दो कार्यकर्ता, दो विद्यार्थी राजेश और तापस के सीने में गोली मार दी, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। क्या दोस्त था राजेश और तापस का? एक ही दोस्त था, वो मांग कर रहे थे कि हम बंगाली में पढ़ना चाहते हैं। मित्रों मुझे बताओ, राजेश और तापस का जो खून हुआ है उसको हम फिर से बंगाल के अंदर बंगाली भाषा को प्रस्तावित करेंगे या नहीं करेंगे? कल अगर सीआरपीएफ न होती तो वहां से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अमित शाह इज अ लायर, धोखाबाज, बट वी आर नॉट सरप्राइज, वो सब चीज में तो धोखा देता है। इसके अंदर तू मैं की बात नहीं है, कौन किया, किसने किया, किसने क्या किया, शुरुआत वगैरह, अगर वो सब उसकी सब जानकारी चाहिए तो एक जांच करवाइए जल्दी से। पिछले 24 घंटों के अंदर पश्चिम बंगाल से जैसी तस्वीरें आई उसके बाद सबके मन में एक ही सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल में नामा नामाटी, वहां तो सिर्फ दीदी और लाठी। और क्या पश्चिम बंगाल का रण अब ऐसा हो चुका है कि जिसमें कोरबो लोड़बो जीतबो का स्थान मारबो लोड़बो जीतबो ने ले लिया। अमित शाह जी के रोड शो पर टीएमसी के गुंडों ने जिस तरीके से हमला किया था, यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है और टीएमसी की सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत भी है। लोकसभा चुनाव में मतदान के आखिरी चरण से पहले कोलकाता में हुई हिंसा ने 2019 की चुनावी फिल्म के क्लाइमैक्स को एक्शन से भरपूर बना दिया है। और इस चुनावी फिल्म में भारी भरकम डायलॉग्स हैं। ये जो सेंट्रल फोर्सेस है भाजपा कैंडिडेट्स के साथ आर गोइंग इन टू द बूथ्स एंड देयर इज ऑल्सो इनफ एविडेंस टू सजेस्ट, और ये भी बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, बीजेपी के वोट दो। वो मुझे कहती है कि अमित शाह भगवान नहीं, मैं तो नहीं हूं दीदी, आप मत समझिए अपने आप को भगवान। अमित शाह के रोड शो के जवाब में ममता बनर्जी का रोड शो है और हिंसा के नाम पर कोलकाता में हो रहा टीएमसी का विरोध प्रदर्शन है और दिल्ली में बीजेपी का मौन प्रदर्शन। ये
ईश्वरचंद्र विद्यासागर का एक फोटो रखा गया है, माला चढ़ाई गई है और ये एक पीस मूवमेंट है इनका। सभी ने यहाँ पर एक काली पट्टी है अपने मुंह में बांध के रखी है, ये इनका एक तरीके का जरिया है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। ममता जी यहाँ पर समझ चुकी है कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए वो पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और आज पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि जनता बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही है और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इलेक्शन कमीशन ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी और तृणमूल के अंदर हिंसा हुई नहीं है, वो मीडिया में है, स्टूडियो में हुआ है। जैसा भारत पाक का जंग हो रहा था बालाकोट में, वैसे युद्ध बनाया जाता है चुनाव में, तो वो फेल हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का। अभी बीजेपी तृणमूल का युद्ध दिखाया जा रहा है, ये भी नकल युद्ध है। और इन सब के केंद्र बिंदु में है कोलकाता में हुई वो घटना जिसने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार को अपमानित करने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां की थी, क्योंकि रोड शो के दौरान दिखाई भी दे रही थी, कार्यकर्ताओं में जोश था। कोलकाता की सड़कों पर रोड शो के साथ एक बड़ा जनसैलाब था। अमित शाह का रोड शो कल शाम 4:30 बजे शुरू हुआ। एक घंटे बाद शाम 5:30 बजे रोड शो पर पहला हमला कोलकाता यूनिवर्सिटी गेट के पास हुआ। रोड शो पर दूसरा हमला शाम 6:30 बजे विद्यासागर कॉलेज गेट के पास हुआ और ये दोनों हमले रोड शो की भीड़ के आखिरी हिस्से पर किए गए। वो उसको अभी फायर ब्रिगेड आया है पूरा आग बुझाने के लिए। उसका इलावा देखेंगे इलाका में और कॉलेज में बहुत ही तनाव है इस वक्त। दीवार के पीछे 17-18 लड़के लोग डंडा लेकर जैसे ही है ना, तो हम तो देखे नहीं, मन पीछे से कोई लड़का हम लोग इधर टॉर्च मार रहा था। जब मैंने ऐसे पाव किया ना कि एक लड़की यहाँ पे मारी, एक लड़की मारी है तो यहाँ से भी लगा है पूरा दमा, और एक लड़की मतलब ईटा फेंक के मारा, लड़का लोग तो जो मारा भी बोलिए मत। क्या घटना घटा था? हम लोग इसके अंदर थे, ठीक है, पूरा बंद था, लेकिन हम लोग के इधर से हाथ घुसा के हम लोग लेडीज लोग को मारा है, ये कॉलेज स्टूडेंट लोग को मारा है, जीएस लोग का गाड़ी तोड़ दिया है, ईटा मारा है, बड़ा भाई जो वो लोग कैरी कर रहा था आप लोग देख सकते हैं इधर, ऐसे नहीं चलता, अमित शाह के सामने हुआ है। विद्यासागर कॉलेज के पास बीजेपी और तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प के दौरान समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा टूट गई। इसके लिए बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कांग्रेस इस घटना पर हमेशा की तरह राजनीति कर रही है। जो बाहर से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से जो लाया था बीजेपी का, वो पता भी नहीं है विद्यासागर को, एक स्टैचू देगा टोक दो। जो आरोप लगा रहा है, लगा रही है टीएमसी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया, आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी, किसने तोड़ा? सच्चाई यह है कि आज एक नया संस्कृति पैदा कर दी है इस सत्तारूढ़ पार्टी ने, जंगल राज मोबोक्रेसी, उसको जानबूझकर प्रोत्साहित किया जाता है और हम सीधा आरोप लगाते हैं कि इस सांस्कृतिक पहचान, इस जंगल राज, इस मोबोक्रेसी के लिए 100% मोदी शाह जोड़ी बीजेपी सत्तारूढ़ सरकार जिम्मेवार है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने टीएमसी की गुंडागर्दी के सबूत दिखाए तो तृणमूल कांग्रेस ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत मीडिया के सामने रखे। हमारा कोई एलिगेशन नहीं है जी, हमारा कोई एलिगेशन नहीं है, मैं वीडियो एलिगेशन नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये वीडियो है, ये सबूत है, ये प्रूफ है, ये कोई एलिगेशन नहीं है। क्यों बोल रहे एलिगेशन? ये सबूत है, ये प्रूफ है। पहले वायलेंस नहीं हुए, हमला हुआ है भैया, तीन हमले हुए हैं और तीसरे हमले में आगजनी, पथराव, बोतल के अंदर केरोसिन सुलगा कर डालने का घटना भी हुआ। मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूं और नीचे आगजनी भी हो रही है। बंगाल की धरती इस वक्त दो राजनीतिक दलों के बीच बड़ा रण बनी हुई है,
दोनों दल एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा के वीडियो देखकर कोई भी यही कहेगा कि आज सचमुच लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे देश के बुद्धिजीवियों का गैंग बिल्कुल शांत है। इस मुद्दे पर न तो कोई अवार्ड वापस कर रहा है, न टेलीविजन स्क्रीन काली करके कोई शोक मना रहा है, और न ही कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है। ये लोग शायद अपने अपने मोबाइल फोन पर पश्चिम बंगाल के हिंसक राजनीतिक वीडियोज का आनंद ले रहे हैं। इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि जो लोग बार बार ये एजेंडा चलाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, वो खुद कितने सिलेक्टिव हैं। इसलिए अगली बार जब देश का कोई बुद्धिजीवी ये कहे कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उससे ये जरूर पूछिएगा कि पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हो रही थी और चुनाव के दौरान लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा था, तब वो कहां थे। सड़क पर होने वाली राजनीतिक हिंसा के बाद सोशल मीडिया वाली हिंसा की अब बात करते हैं। हमारी अगली खबर भारत के 30 करोड़ से भी ज्यादा फेसबुक यूजर्स से जुड़ी हुई है। ये खबर उन लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए जो फेसबुक पर हिंसक वीडियोस का लाइव प्रसारण करते हैं या फिर नफरत फैलाने वाले वीडियो को प्रमोट करते हैं। आपको 2 महीने पहले की एक घटना जरूर याद होगी, जब न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर की एक मस्जिद में एक आतंकवादी ने 51 लोगों को मार दिया था। इस आतंकवादी ने उस हमले का फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया था और इस फेसबुक लाइव को करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन देखा था। तब हमने भी इस बात पर चिंता जताई थी कि आतंकवादी किस तरह सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैला रहे हैं। इस हमले के 2 महीने बाद अब जाकर फेसबुक की नींद टूटी है और अब उसने हिंसक वीडियोज के प्रसारण को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई है। इन दिशा निर्देशों के तहत वन स्ट्राइक पॉलिसी को लागू किया जाएगा, यानी अगर कोई फेसबुक यूजर इस पॉलिसी के नियमों को एक बार भी तोड़ेगा तो उसके अकाउंट या फीचर्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वन स्ट्राइक पॉलिसी के तहत सिर्फ एक बार नियम तोड़ने पर भी फेसबुक का यूजर फेसबुक लाइव वाली सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फेसबुक के सबसे गंभीर नियमों को तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी और कम से कम 30 दिनों तक फेसबुक लाइव की सुविधा रोक दी जाएगी। किसी आतंकवादी संगठन के बयान का लिंक शेयर करना भी इस पॉलिसी के नियमों के खिलाफ होगा। ऐसा करने वाले यूजर के अकाउंट को फेसबुक ब्लॉक कर सकता है। नफरत फैलाने वाले ग्रुप्स की पहचान करके उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहा है। और पिछले महीने ही DNA में हमने आपको यह जानकारी दी थी कि कैसे सोशल मीडिया आतंकवादियों का नया कैंप बन गया है। अब उन्हें अलग अलग इलाकों में अपना दफ्तर या अड्डा बनाने की जरूरत नहीं है, अब सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। सोशल मीडिया की मदद से ISIS ने 110 देशों के 40,000 से ज्यादा नागरिकों को आतंकवादी बनाकर अपने संगठन में शामिल किया है। फेसबुक का दावा है कि पिछले साल उसने हर महीने आतंकवाद और आतंकवादियों से जुड़े औसतन 15 लाख से ज्यादा पोस्ट डिलीट किए हैं। इसके अलावा ट्विटर ने भी 2015 से लेकर अब तक आतंकवादियों और उनसे जुड़े 12 लाख से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया है। इससे आप सोशल मीडिया पर इनके प्रभाव का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। कुल मिलाकर इस खबर का संदेश यह है कि हिंसा का सीधा प्रसारण कभी मत कीजिए, नफरत को वायरल कभी मत कीजिए। सोशल मीडिया पर जरा सी लापरवाही सिर्फ आपको ही नहीं पूरे समाज को मुश्किल में डाल सकती है। ये फेक न्यूज से भी बड़ी समस्या है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संसद भवन भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहां पर आपके द्वारा चुने हुए सांसद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जनता के लिए जरूरी कानून बनाते हैं। और ये जो पूरी जो इस समय प्रक्रिया चल रही है पूरे देश में चुनाव की, ये लोकसभा पहुंचने की ही पूरी कवायद है। ये सारे जो उम्मीदवार हैं जो आपसे हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं आजकल, ये सारे वो उम्मीदवार हैं जो किसी भी तरह चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचना चाहते हैं, संसद भवन पहुंचना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। हर नेता का ये सपना होता है कि वो चुनाव जीते और सांसद बन जाए, लोकसभा का सदस्य बन जाए। इस इमारत का उद्घाटन अंग्रेजों के जमाने में वर्ष 1927 में हुआ था और यह भवन 92 वर्ष पुराना है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद पहली बार बहुत बड़े स्तर पर संसद भवन की धुलाई और सफाई का काम चल रहा है।
जी न्यूज की टीम ने इस अनोखी पहल पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्टिंग की है। हमारी टीम ने इस विषय पर लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन से बात की। सुमित्रा महाजन ने यह बताया कि संसद भवन के गलियारों से लेकर गुंबदों तक सबकी पूरी धुलाई पहली बार की जा रही है। आप में से बहुत से लोगों को संसद भवन घूमने का या इसे देखने का मौका नहीं मिला होगा, इसलिए आज हमने इस विश्व प्रसिद्ध इमारत के इतिहास पर एक विशेष डीएनए टेस्ट तैयार किया है जो आपके ज्ञान में जबरदस्त इजाफा करेगा। 23 मई को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। जनता 543 सांसदों को चुनकर संसद भेजेगी। इस नई लोकसभा को 17वीं लोकसभा कहा जाएगा। लोकसभा की वर्तमान स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद भवन के प्रशासनिक अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई थी और 17वीं लोकसभा के सांसदों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां करने के निर्देश दिए थे। हालांकि वो खुद इस बार संसद में मौजूद नहीं रहेंगी, लोकसभा में मौजूद नहीं रहेंगी। संसद का पूरा प्रशासन संसद भवन के सफाई अभियान में जुटा हुआ है। प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से संसद भवन के करीब 90 वर्ष पुराने फर्नीचर को भी पॉलिश करवा रहा है। ये फर्नीचर भी संसद भवन की एक विरासत है। इसका ख्याल रखते हुए इसे वहां से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा, इसे चमकाया जाएगा। संसद भवन के इस मेकओवर के लिए 16वीं लोकसभा को श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार संसद की व्यापक सफाई का फैसला 16वीं लोकसभा में ही लिया गया था। संसद भवन एक विशाल गोलाकार भवन है, यानी इसे एक गोल घेरे में बनाया गया है। संसद भवन करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाहरी हिस्से में कुल 144 खंभे हैं, जबकि 3 मंजिल वाले इस भवन में 148 कमरे हैं। संसद भवन के निर्माण में उस दौर में 83 लाख रुपए का खर्च आया था, और आज के दौर में अगर आप बात करें तो 83 लाख रुपए में छोटा सा मकान भी नहीं बनेगा शायद। संसद में कमेटी के चेयरमैन, सभी केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के बैठने के लिए अलग कमरे होते हैं। संसद में 12 प्रवेश द्वार हैं। अलग अलग प्रवेश द्वार से अलग अलग संसद सदस्यों का प्रवेश होता है। संसद भवन में प्रधानमंत्री के प्रवेश के लिए अलग द्वार है। विपक्ष के बड़े नेताओं के प्रवेश के लिए भी अलग द्वार है। लोकसभा स्पीकर के प्रवेश के लिए अलग द्वार है और राज्यसभा के चेयरमैन के प्रवेश के लिए भी अलग द्वार है। संसद भवन में मुख्य रूप से 4 बड़े हॉल हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा सेंट्रल हॉल और चौथा संसद की पुरानी लाइब्रेरी। संसद भवन का सेंट्रल हॉल इस इमारत की सबसे ऐतिहासिक जगह है। इस हॉल में भारत के संविधान की रचना हुई थी। भारत को स्वतंत्र देश की शक्तियां इसी हॉल में मिली थी। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। सेंट्रल हॉल में ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में अपना पहला भाषण दिया था, जिसका शीर्षक था ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा इमारत के निर्माण से पहले सुप्रीम कोर्ट संसद भवन परिसर में सेंट्रल हॉल के पास मौजूद एक दूसरे हॉल में काम करती थी, वहीं से संचालन होता था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट अपनी मौजूदा इमारत में वहां उसको स्थानांतरण उसका किया गया और बाद में उस हॉल को संसद भवन की लाइब्रेरी बना दिया गया। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं के अखबार आते हैं। यह लाइब्रेरी भारत की सबसे विशाल और बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है। यहां भारत के संविधान की मूल प्रति भी रखी हुई है। आज हम आपको संसद की 81 वर्ष पुरानी तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसकी एक झलक आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये संसद भवन की 81 साल पुरानी तस्वीरें हैं। यहां आपको एक बोर्ड भी नजर आ रहा है जिस पर लिखा है बुलक कार्ट्स प्रोहिबिटेड, यानी यहां पर बैलगाड़ियों को लाना मना है। आज हमने संसद भवन के इतिहास की दिलचस्प जानकारियों वाला एक वीडियो विशेषण आपके लिए तैयार किया है। इससे आपके ऐतिहासिक और राजनीतिक ज्ञान में काफी वृद्धि होगी। 23 मई को आने वाले नतीजों से पहले यह आपके लिए एक सौगात है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जनता के प्रतिनिधित्व के लिए संसद भवन का निर्माण करवाया था। संसद भवन की ये तस्वीरें वर्ष 1938 की हैं।
जैक कार्डिफ नाम के एक सिनेमाटोग्राफर ने इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया था। इन 81 वर्ष पुरानी तस्वीरों में संसद भवन में दौड़ते हुए तांगे और पारंपरिक वेशभूषा में एक भारतीय नजर आ रहा है। नई दिल्ली के डिजाइन का श्रेय एडविन लुटियंस को जाता है। इस पुराने वीडियो में नई नवेली नई दिल्ली के भव्य भवनों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं, जिसे पहले गवर्नर हाउस कहा जाता था। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तस्वीरें भी इस 81 वर्ष पुराने वीडियो में बहुत भव्य नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आकाश बहुत साफ है और इन दोनों के बीच में कहीं कोई दूसरी इमारत नहीं है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नई दिल्ली की उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। संसद भवन 144 स्तंभों पर टिका है और हर स्तंभ की ऊंचाई तकरीबन 27 फुट है। संसद भवन की इमारत की संरचना सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। इस भवन के निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। संसद भवन की नींव की पहली ईंट 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। इसके निर्माण में 6 साल लगे थे। संसद भवन के निर्माण को 92 वर्ष बीत चुके हैं और अब संसद को एक बार फिर नए तरीके से चमकाया जा रहा है। ये जिम्मेदारी लोकसभा की वर्तमान स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संभाली है। इसमें एकदम लगेगा जो भी आगे, अरे अच्छा सब सफाई होगी, ठीक है मैडम, ये बोलेगा ये बेस्ट है। सेंट्रल हॉल के भी हम फर्नीचर वगैरह थोड़ा अभी फिनिशिंग बाकी है, बहुत कुछ काम होना है, मगर हमारा ये 10-15 दिन में सब काम पूरा हो जाएगा। तो वहाँ भी एक अच्छे से, वो फर्नीचर बहुत सालों से उसका ये नहीं हुआ था, स्क्रैप पहले का करके जो करते हैं ना फर्नीचर को स्क्रैपिंग। 17वीं लोकसभा के सांसदों के स्वागत के लिए संसद भवन का पूरा प्रशासन जी जान से जुटा है। हर बार लोकसभा में बहुत सारे नए सांसद चुने जाते हैं। इनमें से बहुत से सांसद ऐसे भी होते हैं जो पहली बार संसद में प्रवेश करते हैं। इन नए सांसदों की सुविधा के लिए प्रशासन विशेष तैयारियां करता है। नए पुराने दोनों, मगर विशेष रूप से जो नए फर्स्ट टाइमर जिसको हम कहते हैं पहली बार चुन करके आएंगे, तो उनकी दृष्टि से भी एक पूरी तैयारी पार्लियामेंट अभी कर रहा है। हमने अभी उसकी थोड़ी एक बैठक ली। एक बात तो ये है कि प्रिंटेड करी हुई किताबें उनको पार्लियामेंट के रूल्स पालन करें नहीं करें, मगर रूल्स हमें हाथ में तो देना है। स्पीकर के डायरेक्शन की किताबें हैं, पार्लियामेंट्स के रूल्स क्या है, कैसे रूल्स रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है मेंबर के लिए। संसद भवन का प्रशासन इन नए सांसदों को फोन करता है, उनका पता हासिल करता है, ये भी जानने की कोशिश की जाती है कि वो किस ट्रेन या फ्लाइट से कितने बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन्स पर उनके स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है। इस बार नए सांसदों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। सभी सांसदों को रूल बुक इस बार किताब के अलावा पेन ड्राइव में भी दी जाएगी। संसद के रूम नंबर 62 में रिसेप्शन बनाया गया है। नए सांसदों को भी संसद की प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। सांसद बनने के बाद उन्हें करीब 40 प्रकार के फॉर्म भरने होते हैं। एक चिट्ठी भेजी जाती है सबको कि आप का आर आर आपको आई मीन कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम एंड सेइंग कि जब आप आएँ तो कम से कम दो चीज़ लेके आएँ, एक तो जो आपका इलेक्शन सर्टिफिकेट है और कुछ फ़ोटो, ये दो चीज़ें उनको कम से कम लेके अपने साथ आना। बाकी तो जब कार्य चलता रहता है तो उनकी और तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएं लोकसभा की तो कम से कम 30-40 फॉर्म उनको भरने होते हैं, लेकिन वो तो जब ज़रूरत हो तब भरेंगे। अब जरूरी नहीं कि पहले दिन आके लाइब्रेरी के मेंबर बन जाएं या कुछ और हो जाएं। नई लोकसभा शुरू होने की भी एक तय प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति सरकार के गठन के लिए किसी एक पार्टी को निमंत्रण देते हैं, उसके बाद सदन की कार्यवाही के लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। पहले तो निर्णय ये होना कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, किसको बुलाया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनके वो गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करे, तो पहले तो ये निर्णय प्रेसिडेंट को लेना होता है।
जब ये निर्णय हो गया तब फिर जो संसदीय कार्य मंत्रालय है वो पता लगाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं हम कि कोई और मंत्री है प्राइम मिनिस्टर का जो कि ये संसद का कार्य अभी देखेगा, क्योंकि मंत्री मंत्री तो बाद में अपॉइंट होते हैं। तो उससे फिर वो अप्रूवल लेता है एक कैबिनेट नोट का कि भाई इनको ये लोग हैं संसद में जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग हैं बहुत दिनों से चले आ रहे हैं उनके दो तीन नाम रखे जाते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो हो लेकिन इस बार संसद दीवारों से ही नहीं चेहरों से भी बदली बदली नजर आएगी। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और उमा भारती 17वीं लोकसभा का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि ये सभी राजनेता इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वैसे संसद को धोकर कितना भी चमका दिया जाए लेकिन संसद भवन की असली चमक तो जनता के द्वारा चुने हुए सांसद ही होते हैं। इतिहास में नया वर्तमान जोड़ने 17वीं लोकसभा के नए सांसद कौन से होंगे इसका खुलासा तो 23 मई के नतीजों के बाद होगा, लेकिन एक खुलासा हम अभी कर दें। किफायत का फॉर्मूला अपनाते हुए इस बार नए सांसदों को होटल्स में नहीं बल्कि नए आवास की व्यवस्था होने तक गेस्ट हाउसेज में ठहराने का प्रावधान किया गया है। बहरहाल नई चमकती संसद नए और पुराने सभी सांसदों के लिए तैयार हो चुकी है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और बात संसद की सफाई की हो रही है तो आज आपको 18 साल पुराना अपना एक अनुभव सुनाना चाहता हूं। 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। हमले में शामिल आतंकवादी लगातार फायरिंग करते हुए लोगों की जान ले रहे थे और संसद भवन की दीवारों को छलनी कर रहे थे। उस हमले में संसद भवन को काफी नुकसान पहुंचा था। 18 साल पहले मैं संसद भवन के परिसर में उस समय वहां पर मौजूद था और मेरी आंखों के ठीक सामने एक आतंकवादी ने संसद भवन के गेट नंबर 1 से अंदर घुसने की कोशिश की थी। ये वही गेट है जिससे ज्यादातर सांसदों की एंट्री संसद भवन के अंदर होती है, लेकिन उस दिन तेज धमाके में इस आतंकवादी के शरीर के कई टुकड़े हो गए और उस दौरान संसद भवन की दीवार लहूलुहान हो गई। कई जगह गोलियों के निशान थे, खून फैला हुआ था चारों तरफ, दीवारों पर, यहां तक कि छत पर भी। उस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और कई सांसद उस समय भी सदन के अंदर मौजूद थे और हमले के अगले दिन भी सदन की कार्यवाही होनी थी, इसलिए तत्काल प्रभाव से इस जगह की सफाई शुरू की गई और वहां से खून के सारे धब्बे मिटाए गए। पूरी रात काम चला और तब ये इस पूरे संसद का जो ये एरिया था इसकी सफाई की गई और अगले दिन जब वहां पर सांसद आए कार्रवाई के लिए तो किसी को कोई धब्बा, कोई खून नहीं दिखाई दिया। हालांकि इस बार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से संसद भवन की धुलाई और सफाई की जरूरत पड़ी है। संसद के अलावा राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट पर भी प्रदूषण का बहुत बुरा असर पड़ा है। अब इस स्वच्छता अभियान के अगले चरण में इन दोनों की भी सफाई की जाएगी और आप यहां पर यह भी अंदाजा लगाइए कि दिल्ली का प्रदूषण कितना होगा कि संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जैसे इतनी पुरानी इमारतें भी इस प्रदूषण को सहन नहीं कर पा रही हैं, उनकी सफाई करने की जरूरत पड़ रही है। अब आप ये सोचिए कि आपके शरीर के अंदर जब ये प्रदूषण जाता होगा तो आपके शरीर का क्या हाल होता होगा और क्या आप अपने शरीर की ऐसी सफाई कर पाएंगे।